सर हॉस्पिटल आ गया, सर हॉस्पिटल आ गया, सर 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 क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डॉक्टर को क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया हटो हटो। ओह माय गॉड, ये तो सर्जन राहुल खन्ना है। क्या हुआ इन्हें, कौन हो? मैं ड्राइवर हूँ सर, घर से तो सही निकले थे यार, तुम बोल ही नहीं रहे। कैसे हो गया, तुम्हारा क्या नाम? मेरा राजू नाम है सर। ले चलो इन्हें हॉस्पिटल, ले चलो जल्दी। क्या हुआ मेरे भाई को? पता नहीं सर, सुबह नाश्ता करके निकले थे, हॉस्पिटल गए, वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहते। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम सर क्या हुआ। डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं। ओके। नक्शा क्या हुआ मेरे भाई को? बोलो नक्शा क्या हुआ मेरे भाई को? I'm sorry, this is no more. What? सुबह मेरे साथ नाश्ता करके निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं क्या बता सकता हूँ, आपका पेशेंट हॉस्पिटल आने से पहले ही मर चुका है। और इसी के साथ बहुत ही दुखद खबर आ रही है, शहर के जाने माने सर्जन राहुल खन्ना की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। आज सुबह सर्जन राहुल खन्ना अपने घर से ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस पहुंचने पर ड्राइवर ने देखा राहुल खन्ना पिछली सीट पे बेहोश पड़े हुए थे। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने सर्जन राहुल खन्ना को मृत घोषित कर दिया। शहर के लिए ये बेहद दुखद खबर है। ये आपके भाई की पीएम रिपोर्ट है, आपके भाई की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है। क्या मतलब है मर्डर हुआ? उसका कल फोन कॉल आया था, किसी ने जान से मारने की धमकी दी। मैं कमिश्नर साहब से बात करके CBI जांच कराऊंगा। ओके, मैं अभी जाके अभी बात करता हूँ। डॉक्टर राहुल खन्ना केस में आया एक नया मोड़। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डॉक्टर राहुल खन्ना की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उनके भाई का ये इल्ज़ाम है कि उनकी हत्या की गई है। उनके भाई ने CBI जांच की मांग की है। देखते हैं CBI इसमें अपना क्या रोल अदा करती है, देखते हैं राहुल खन्ना केस में आगे क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सच सबसे आगे। सर ये सर्जन राहुल खन्ना केस की फाइल है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। इस केस को तो मीडिया बहुत उछाल रही है, पता नहीं क्या क्या दिखा रही है न्यूज चैनलों पर। जी हाँ सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक राहुल खन्ना की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन राहुल खन्ना के भाई का कहना है कि उनका मर्डर हुआ है। चलो देखते हैं क्या है इस केस में। राहुल खन्ना घर से निकले थे हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल पहुंचने पर जब ड्राइवर ने
गेट खोला तो देखा राहुल खन्ना साहब पिछली सीट पर बेहोश पड़े थे। फिर पुलिस आई और उनको हॉस्पिटल लेके गई जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर्जन राहुल खन्ना की मौत हार्ट अटैक से हुई। जी हाँ सर, लेकिन इनके भाई वीके खन्ना बार बार ये कह रहे हैं कि इनका मर्डर हुआ है। लेकिन वो ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? ये तो सर वही बता सकते हैं। ठीक है, फिर कल वीके खन्ना को ऑफिस बुलाओ, पूछते हैं उनसे उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके भाई का मर्डर हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन फिर भी बार बार यही कह रहे हैं उनके भाई का किसी ने मर्डर किया, कोई तो वजह होगी उनके पास। कल उनको बुला उनसे पूछते हैं। और हाँ, उनके घर में जितने भी लोग काम करते हैं, ड्राइवर या उनके घर में काम करने वाले उनके सारे रिश्तेदारों की पूरी डिटेल और सारे लोगों की पूरी कॉल हिस्ट्री जल्दी से निकलवाओ। ठीक, ओके सर। खन्ना साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके भाई का मर्डर हुआ, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके भाई की डेथ हार्ट अटैक से हुई? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे भाई का मर्डर हुआ है, क्योंकि सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे तो किसी की कॉल आई थी। फिर क्या हुआ? कोई जान से मारने की धमकी दे रहा, भाई ने सीरियस नहीं लिया, उन्हें लग रहा था कोई उनसे मजाक कर रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताइए। सर, उसके बाद हम लोग नाश्ता करके और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। बाकी सर आप तो जानते ही हैं क्या हुआ था। ठीक है खन्ना साहब, आप टेंशन मत लीजिए, अगर सच में किसी ने आपके भाई का मर्डर किया है तो उसको हम कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके। सर, ये डॉक्टर खन्ना के करीबी रिश्तेदार और उनके घर में काम करने वाले सभी नौकरों की डिटेल। यह सभी लोगों की कॉल डिटेल। कोई अच्छी खबर है इसमें क्या, कुछ मिला क्या तुमको इसमें? हाँ सर, एक नंबर है जो डॉक्टर खन्ना के घर के आसपास एक हफ्ते पहले एक्टिव रहा है, लेकिन वो नंबर खन्ना के किसी रिश्तेदार या उनके नौकर का नहीं है। ठीक है, उस नंबर की पूरी डिटेल निकलवाओ जो उनके घर के बाहर एक हफ्ते से एक्टिव, देखो किसका नंबर है। नायक, आज 3 दिन हो गए इस केस को लिए हुए, कहीं से कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है। राहुल खन्ना साहब का सच में मर्डर हुआ है या किसी उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई है? नायक, राहुल खन्ना के हाथ में जो पेपर है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं आएगी? हाँ सर, आ गई, अभी लेके आता हूँ। सर, ये रही पेपर की फॉरेंसिक रिपोर्ट। ओ माय गॉड, पेपर में जहर है, जहर से राहुल खन्ना की मौत हुई है। हाँ सर, ये ब्लैक सैरिन नाम का बहुत ही खतरनाक जहर है जो आदमी के हाथ में लगते ही उसके दिल की धड़कनें रोक देता है। देखने वाले को लगता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि मौत जो होती है वो जहर से होती है। इसका मतलब विकी खन्ना सच कह रहे थे, उनके भाई की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, किसी ने उनका मर्डर किया, किसी ने पेपर में जहर लगा दिया है। और जैसे ही राहुल खन्ना गाड़ी में बैठकर पेपर पढ़ने लगे हैं, उस जहर की वजह से राहुल खन्ना की मौत हो गई। लोगों को लग रहा था हार्ट अटैक हुआ, लेकिन असल में उनकी मौत जहर की वजह से हुई है।
कातिल ने बहुत चालाकी से काम किया है। उसको पता था विकी खन्ना रोज ऑफिस जाने के टाइम गाड़ी में बैठकर पेपर पढ़ते हैं, इसीलिए उसने बहुत चालाकी से पेपर के बीच में जहर लगा दिया और जैसे ही राहुल खन्ना ने पेपर खोला और उनकी मौत हो गई है। यकीनन ये बहुत ही खतरनाक जहर है। लेकिन सर पेपर में जहर लगा कौन सकता है? अब ये तो पेपर वाला ही बता सकता है। कल उसको पेपर वाला को यहाँ पकड़ के लेके आओ, वही बताएगा पेपर में जहर किसने मिलाया, या उसने खुद मिलाया है या किसी ने उससे मिलवाया पेपर में जहर। ओके सर, पेपर वाले को अभी लेके आता हूँ। ये पेपर वाला किधर रहता है? वो सामने वाले घर में। क्या नाम है तेरा? साहब संतो नाम। कितने साल से पेपर दे रहा है खन्ना साहब के घर पे? साहब 4-5 साल से। खन्ना साहब को क्यों मारा? साहब मैंने नहीं मारा। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? साहब मैं डर गया था। तो इसलिए डर गया था क्योंकि तूने ही खन्ना साहब को मारा है? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है। खन्ना साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? देख, खन्ना साहब की मौत पेपर की वजह से हुई है और उनके घर पे पेपर तू ही देता है। साहब पेपर से कोई कैसे मर सकता है? क्योंकि पेपर में जहर लगा हुआ था और जैसे ही खन्ना साहब ने पेपर खोला उनके हाथ में जहर लगा और उनकी मौत हो गई। अब सच सच बता, पेपर में जहर क्यों लगाया? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पेपर में कोई जहर नहीं लगाया। साहब मैं बाहर से ही घर के अंदर पेपर फेंक के चला जाता हूँ। अगर पेपर में जहर तूने नहीं लगाया तो फिर किसने लगाया? साहब मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक से सोचकर बता, खन्ना साहब के घर के आसपास कुछ अजीब चीज या किसी नए आदमी को आते जाते देखा? हाँ साहब, मैंने एक नए आदमी को खन्ना साहब के घर के आसपास कई बार घूमते देखा। कौन है वो, जानता है उसको? नहीं साहब, पहले का कभी नहीं देखा उसको। साहब एक बात और है, जहाँ से मैं पेपर उठाता हूँ वहाँ भी उस आदमी को मैंने कई बार देखा है। और कुछ जानता है उसके बारे में? नहीं साहब। स्केच बनवा सकता है उस आदमी का? साहब ठीक से याद तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी स्केच आर्टिस्ट आ रहा है, उसको उसका पूरा हुलिया बताकर उसका स्केच बनवा। समझ गया? जी साहब। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू। सर पेपर वाले से बहुत पूछताछ की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पेपर में जहर उसने लगाया है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? सर उसने एक नए आदमी का स्केच बनवाया है जो खन्ना साहब के घर के आसपास और जहां से वो पेपर लाता है वहां भी उसको कई बार घूमते देखा उसने, और मुझे लगता है कि यही कातिल है। ठीक है, फिर जल्दी से अपने सारे खबरियों को एक्टिव कर दो और ये आदमी मुझे जल्द से जल्द चाहिए यहाँ पे, और इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट करवा दो जल्दी से। ओके सर। भैया इसको जानते हो? हाँ ये तो रॉकी है। कहाँ मिलेगा ये? हाँ ये यहाँ BSNL टावर के पास कभी कभी चाय पीने आता रहता है। नायक आजकल फेसबुक पे फोटो बड़े अच्छे अच्छे अपलोड करते हो, इससे एडिट करवाते हो? सर मेरा एक दोस्त है अब्दुल रज्जाक, वही फोटो एडिट करता है, बहुत अच्छे फोटो एडिट करता है सर, कभी आप करा के देखिए। Thank you.
अरे खबरी गोपी का फोन आया है। देखो सर शायद कोई अच्छी खबर हो। हाँ गोपी कोई अच्छी खबर है या फालतू फोन किया है? कबीर सर आपके लिए अच्छी खबर है। है तो जल्दी बता, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। सर वो अपना रॉकी है ना जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। कहाँ पे जल्दी बता? वो जो जरवल बॉर्डर के पास बीएसएनएल टावर है ना। हाँ हाँ आगे बोल आगे बोल। उसी के पास एक चाय का खोखा है, वहीं बैठा चाय पी रहा है। गुड जॉब गोपी, एक काम कर तू उसके ऊपर नज़र बनाए रखना, एक मिनट के लिए भी उसके ऊपर से नज़र मत हटाना, हम लोग अभी आ रहे हैं तुरंत। किधर गया? वो जा रहा है। ऑफिसर तुम लोगों की मौत यहाँ तुम्हें खींच कर लाई है। रॉकी ऐसे खतरों से हम रोज खेलते रहते हैं, तेरी भलाई इसी में है, तू अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान से मार दो इन दोनों को।
चल अब जल्दी बता खन्ना साहब को क्यों मारा तूने। जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने नहीं मारा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसको, राहुल खन्ना को। तो फिर हम लोगों को देखकर भागा क्यों? उसके बाद अपने गुंडों के साथ मिलकर हम लोगों पे हमला करवाया, हमें जान से मारने की कोशिश की। अभी भी तू ये कहेगा तुमने कुछ नहीं किया है? जिस दिन राहुल खन्ना की मौत हुई फोन लोकेशन के साथ तू वहीं मौजूद था। पेपर वाले ने भी तुझे कई बार खन्ना साहब के घर के आसपास देखा है। अभी भी तू ये कहेगा तूने राहुल खन्ना को नहीं मारा है? हाँ मैंने मारा है राहुल खन्ना को, उसके पेपर में जहर भी मैंने लगाया था। ये तो मुझे पता ही है तूने पेपर में जहर लगाया था, लेकिन कैसे लगाया पेपर में जहर वो बता जल्दी। राहुल खन्ना को मैं बहुत दिनों से मारना चाहता था, उसके घर के आसपास नज़र रखे हुए था। फिर मैंने देखा कि राहुल खन्ना ऑफिस जाने के टाइम पेपर जरूर पढ़ता है। तो फिर तूने पेपर में जहर कब और कैसे लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि तू उनके घर के बाहर पेपर में जहर नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यकीनन तूने के जहर कहीं और पेपर में लगाया है। हाँ सर, मैंने पेपर में जहर वहीं लगाया था जहाँ से पेपर वाला पेपर उठाता है। अच्छा, तो तुझे ये कैसे पता कि जिस पेपर में तूने जहर लगाया है वही पेपर राहुल खन्ना के घर जाएगा? वो पेपर किसी और के घर पे तो जा सकता था। इसका मतलब पेपर वाला भी तेरे साथ मिला हुआ है। नहीं नहीं सर, उसको कुछ नहीं पता। अगर पेपर वाला तुम्हारे साथ मिला नहीं है तो फिर कैसे जहर वाला ही पेपर खन्ना साहब के घर पे उसने दिया? वो तो पेपर गड्ढे में रहता हो, किसी और के घर पे तो दे सकता था। कोई और भी उस जहर से मर सकता था। या फिर अगर पेपर पे जहर लगा हुआ था तो पेपर वाला क्यों नहीं मरा? वही पेपर खन्ना साहब के ड्राइवर ने घर से उठाकर गाड़ी में रखा था। अगर पेपर पे जहर लगा हुआ था तो उस ड्राइवर को कुछ क्यों नहीं हुआ? सर मैंने कई दिनों से पेपर वाले पे नज़र रखी हुई थी, फिर मुझे पता चला कि 40 पेपर की एक गड्डी होती है, वही गड्डी हर रोज़ पेपर वाला अपनी साइकिल पे पेपर रख के बांटने निकलता था। जहाँ से वो पेपर देना शुरू करता है ठीक वहाँ से 27वें नंबर पर राहुल खन्ना का घर पड़ता है। फिर मैंने गड्डी के 27वें पेपर के बीच में जहर लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले। बहुत दिमाग लगाया तूने राहुल खन्ना को मारने के लिए। तूने ये तो बता दिया कि पेपर में जहर कब और कैसे लगाया, अब ये बता कि तूने राहुल खन्ना को मारा क्यों? जल्दी बता, चुप क्यों है? ये तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा।